देख रहा है बॉलीवुड क्रेजीज। आखिर काफी दिनों के बाद मैं कंप्यूटर पर बैठ के, आई मीन उसके ऊपर बैठ के नहीं, उसके सामने बैठकर स्क्रीन रिकॉर्ड करके वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ हनी सिंह के लेटेस्ट रिलीज सॉन्ग गुड़ नाल इश्क मिठा जी, यानी कि गुड़ से ज्यादा मिठा इश्क है, पंजाबी वर्ड है गुड़ नाल इश्क मिठा, ठीक है। और ये गाने की अगर बात करें तो ये एक 90s के दौरान का बाली सागो का गाना है, उन्होंने गाया था। और जिस तरह से अपडेट्स होंगे मैं आपको इस पूरी वीडियो में पूरा बताऊंगा, लेकिन ये इसलिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा कि दोनों गाने कंपैरिजन करूंगा, साथ ही बताऊंगा कि हनी सिंह फिलहाल किस तरह से मूड में है और क्या क्या चीजें वो नहीं लाने वाले हैं। पहली बात तो यहाँ पे आपको बता दो, हनी सिंह के साथ जो नजर आए, ये जो ओरिजिनल सिंगर थे उसमें उनका एक बोलते ना गुलना इश्क मिठा, जो इनका आवाज था वो इसमें रखा गया, मलकीत सिंह इनका नाम है। और यहाँ पर और चीजें आपको बताना चाहता हूँ, इस पुराने गाने के बारे में बताना चाहता हूँ। ये गाना पुराना था जिसमें नजर आई थी मलाइका अरोड़ा खान जी, हाँ, और जस अरोड़ा नजर आए थे उनके साथ। और ये गाना यूज किया गया था, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, ये जो फिल्म है इसकी थी राइट, सोनम कपूर की, इसमें भी गाना यूज किया गया था। और यहाँ पर हनी सिंह का जो लुक है काफी चेंजेस नजर आ रहे हैं आपको, थोड़े हैवी हो गया है, मैं भी तो बल्कि हो गया राइट। तो ऑफ कोर्स एक वक्त के बाद आए, लगभग लगभग 2 साल के आसपास उसके बाद आ रहे, तो एक बहुत बड़ी चीज है। देख सकते हैं मलकीत सिंह को इन्होंने अप्रोच किया और मलकीत सिंह राजी हो गए। और हनी सिंह मलकीत सिंह का जो एक साथ में बॉन्डिंग है इस गाने में वो कमाल का लगेगा आपको। और जहां तक ओवरऑल सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगा, ये ओरिजिन सॉन्ग है 90s के दौरान का, मुझे याद है आप सभी को भी याद होगा अगर आप 90s या 80s के बच्चे हैं, जस अरोड़ा। और यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं मलाइका अरोड़ा खान, बहुत ही खूबसूरत लगे मलाइका अरोड़ा। और जस अरोड़ा को आप जानते होंगे, अगर नहीं देखा है तो आप, दुश्मन नाम की फिल्म है, किसकी फिल्म है, अजय देवगन की वाइफ है, काजुल, काजुल की फिल्म है, उसमें ये आपको हीरो नजर आएंगे जस अरोड़ा, ज्यादा फिल्मों में नहीं बट थे। तो ये फिल्म के बारे में, सॉरी नॉट फिल्म के बारे में, ये जो एल्बम है गुड़ नाल इश्क मिठा, इसका रिमेक किया है फिलहाल हनी सिंह ने। उसके बाद रिमेक करने के बाद उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है मीडिया को वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। उन्हें साफ साफ किया है कि गुड़ नाल, देखो बात करते हो मीडिया से, गुड़ नाल इश्क मिठा, हनी सिंह सेड दिस इज द बिगेस्ट कोलेबोरेशन ऑफ माई लाइफ, आई वॉज अराउंड 12 to 15 ईयर्स ओल्ड व्हेन आई हर्ड दिस फोर सॉन्ग, यानी जब वो 12 या 15 साल के तब उन्होंने पहली बार गाना सुना। और इतने वक्त के बाद, इतने साल के बाद वो वापस से गाना वो बनाएंगे ऐसा उन्होंने सोचा नहीं था, लेकिन मलकीत पाजी ने भी रेडी हो गए इस गाने के लिए और उन्होंने ये गाना बनाया। और यहाँ पे आपको बता दो हनी सिंह का रैप वर्जन भी है इस गाने में जो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप अगर पुराने गाने से इस गाने का कंपैरिजन करें तो ये किसी आसपास भी नहीं है, सीधी से बात कंपैरिजन के हिसाब से बात करें तो। लेकिन गाना उतना बुरा भी नहीं है, नंबर वन पे फिलहाल यूट्यूब पर ट्रेंड हो रहा है, अच्छे खासे लोगों ने लाइक्स दिए है, डिसलाइक काफी कम है, दैट मीन्स ऑडियंस हैव लव्ड इट। कुछ क्रिटिक्स को शायद नहीं पसंद आया, या फिर वो क्रिटिक्स कुछ इस तरह से होंगे कि वो बादशाह पे फेवर करते होंगे ज्यादा इसके उसके ऊपर। लेकिन आपको बता दूं रैपिंग को एक अलग ही जान देने वाला अगर कोई है इंडिया में तो ये यो हनी सिंह है। लुंगी डांस कैसे भूल सकते हो आप, जवाब पर था भाई, जवाब पर था गाना, कई सारे गाने थे भाई, शाहरुख हो या कोई और भी हो, कई सारे बड़े बड़े स्टार्स के साथ हनी सिंह ने काम किया, एक अलग ही रुतबा था। उसके बाद 18 महीने तक गायब हो गए थे, वह बाद में पता चला कि बाइपोलर डिसऑर्डर से वो सफर कर रहे थे, 4 डॉक्टर उन्होंने चेंज किए थे, और उसके बाद किस तरह से वो बीमारी से वो निकले, उसके बाद उन्होंने बात होते हैं कि उसके बाद एक म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर नजर आए बहन होगी तेरी नाम की फिल्म में, और ये गाना अब उनका आया है काफी वक्त के बाद। और ये मुझे तो अच्छा लगा है गाना, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बट हाँ इतना बुरा भी नहीं, म्यूजिक पे आप थिरकोगे जरूर, इतना मुझे पता है, इतना मुझे यकीन है, और आपको ये गाना अच्छा लगेगा। और आपको मेरे को जो खुद अच्छा लगा वो मैं बताता हूँ, पहली बात जो स्वैग है वो नजर आ रहा है, लेकिन हाँ एक काफी वक्त के बाद अगर आप देखोगे हनी सिंह को, और हनी सिंह के आप बहुत बड़े फैन हो तो थोड़े इमोशन जरूर जाओगे। मैं बहुत बड़ा किसी का फैन नहीं बट हाँ दिल से गाने में अप्रोच किया है, दिल से गाना गाया है, वो अच्छा लगा। और जैसे ही गाना एंड होता है जो बैक साइड हनी सिंह घूमते हैं और पीछे शेर नजर आता, तो यही कहूंगा शेर दहाड़ने आ चुका है, और बाकी क्या बोले रैपर्स की अब थल्ले थल्ले होने वाली है, यानी कि वाट लगने वाली, इतना मैं कह सकता हूँ। भले ही आसमां की उड़ान मुश्किल हो लेकिन कोशिश तो कर ही सकता है इंसान, और हनी सिंह वो कोशिश करेंगे और हनी सिंह फिर से कामयाब होगी, यही दुआ करता हूँ। और ये गाना मुझे अच्छा लगा है, नॉट वेरी हाई रेटेड आई कैन से, नॉट वेरी लो रेटेड, बट आई कुड रेट इट इन अराउंड लगभग लगभग एक जो 70% का मैं रेटिंग, उस हिसाब से मैं इसे जोर दूंगा डिस्टिंक्शन। आई लव द सॉन्ग, आपको कैसा लगा जोर बताइए, दोनों सॉन्ग के हिसाब से तो वो सॉन्ग एक नंबर है पुराना वाला, बट दिस सॉन्ग ऑल्सो डिजर्व सम रिस्पेक्ट एंड सम अप्लॉज, आई कैन से दैट। आपको कैसा लगा गुड नाल इश्क मिठा जरूर बताइए, क्योंकि पुराना गाना कुछ 4.25 मिनट का है और ये कुछ
4 मिनट के आसपास, क्योंकि रैपिंग वगैरह भी थोड़ा ऐड किया हनी सिंह ने, जो काफी अच्छा लगेगा, वो पार्ट अच्छा लगेगा आपके दिल को। एंड देयर वर फ्यू डांस सीक्वेंस व्हिच आई लाइक, स्पेशली जो दो हेल्दी लड़की लोग के साथ डांस होता है वो एक अच्छा लगा। और जब मलकीत सिंह नजर आते हैं हमारे क्या बोलते हैं हनी पाजी के साथ, यो हनी सिंह के साथ, तो और मजा आ जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये कंपैरिजन का। बाकी कैसा लगा आपको ये पूरा गाना जरूर बताएं। नंबर 1 पे फिलहाल ट्रेंड हो रहा है, एंड वी होप हनी सिंह वी सी अगेन एंड अगेन, बार बार इसी तरह से देखते रहे। और बाकी जो रैपर्स हैं उनको अब खतरे की घंटी बजनी चालू हो गई होगी। सिर्फ फिलहाल इतना ही।